गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुलगांव ड्रीम ब्लॉग। आज हम दिखाने वाले प्रॉपर्टी है बेसिकली पालम विहार में 233 स्क्वायर प्लॉट साइज है और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट मेंट्री करते हुए वो नॉर्थ फेसिंग है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है अवेलेबल, थर्ड एंड फोर्थ सोल्ड आउट है। इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन और ये इसका हो गया रैम्प एरिया। रैम्प पे इन्होंने सारा काम करा हुआ है मार्बल का और यहाँ पे दो बड़े साइज की गेट मिल रही है जो कि आप देख सकते हो। इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये आप देख पा रहे होगे फर्स्ट क्लास का गेट दिया हुआ है और ये एलिवेशन पार्ट हो गया जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू दिस स्टिल्ट पार्किंग, यहाँ गेट दी हुई है और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया। यहाँ पे दो बड़े साइज़ की गेट मिल रही है आपको। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें भी काम करा गया ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्लास है। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है सारे में जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। सारे वॉल्स में इन्होंने काम करा हुआ टाइल्स का जो कि आप देख सकते हो। ये फ्लोरिंग की बात करूँ तो इसमें काम करा गया है ग्रेनाइट का फ्लोरिंग में और लिफ्ट लॉबी है। और इस तरह पीछे का स्पेस हो गया। अगर मैं स्टोरेज टैंक की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये आपको 3-3.5 लीटर का स्टोरेज टैंक है। 1, 2, 3, 4 सारे मोटर्स इस तरफ दिए हुए हैं और टैप का प्रोविजन भी दिया धोने होने के लिए। और पानी का मीटर यहाँ पे आ जाएगा, चारों मोटर यहाँ दी हुई है और ये भी स्पेस दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। और ये पार्किंग एरिया हो गया। तो हो गया लिफ्ट लॉबी, स्टेयर केस है, फेस इंजर यहाँ दी हुई है और टी के ई ब्रांड की लिफ्ट आ रही है इसमें जो कि आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास है, ब्रांडेड लिफ्ट है ये टी के ई का। साइड बाय साइड खुलती है लिफ्ट। यहाँ पे जब आप घुसोगे इसमें तो यहाँ पे ये आयरन की गेट भी दी हुई है फर्स्ट क्लास। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर मिल जाएगा, फेस चेंजर सारा दिया हुआ है। चार फ्लोर वाइज फेस चेंजर है और एक नीचे दिया हुआ है कॉमन का। और इसमें काम किया गया है ग्रेनाइट का स्टेयर केस में, आयरन की इसमें रेलिंग मिल रही है। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज मैं आपके लाया हूँ फ्लोर, काफ़ी अच्छा फ्लोर है, काफ़ी अच्छे रेट में है और नीचे से दो बचा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। ये पालम विहार में है, वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हुआ वो आपका नॉर्थ फेसिंग हो गया और बैक साइड की बैल्कनी हो गई ईस्ट फेसिंग। 233 गज का है, 233 स्क्वायर प्लॉट साइज है और ये जो है फ्रेंड्स आपका 1400 स्क्वायर फिट कारपेट एरिया है। आप लेआउट समझ लीजिए, ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया, किचन, फर्स्ट बेडरूम, अटैच वॉशरूम, टू साइड ओपन बाथरूम, हॉल से भी है और रूम से भी है, सेकेंड बेडरूम अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम अटैच वॉशरूम और किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगी। अब ये देख लो आप, ये डोर का डिज़ाइन हो गया जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। जब साइट विजिट करोगे तब तो आपको लगेगा लुक एंड फील की क्या इन्होंने क्वालिटी दिया हुआ है, काफ़ी उमदा क्वालिटी इन्होंने दिया हुआ है। और बारे में जितने भी फ्लोरिंग है फ्रेंड सारा इटालियन है। इवन हर एक रूम्स में आप देख सकते हो, रूम्स में टाइल्स का काम किया गया है इवन। और जितने भी ड्राइंग कम डाइनिंग में सारे में इटालियन का यूज़ किया गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूँ इसकी स्विच की फ्रेंड्स, तो LNT के स्विच हैं, पॉली कैप के सारे वायर्स हैं। डोर का डिज़ाइन आप देख लिया आपने और यहाँ पे आपको TKE का लिफ्ट है, ब्रांडेड लिफ्ट है। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये जो कि आप देख पा रहे होगे काफ़ी बेहतरीन सा डिज़ाइन है इसका। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें काम करा गया है इटालियन फ्लोरिंग का जो कि आप देख पा रहे होगे फर्स्ट क्लास। प्रोफाइल लाइटिंग की भी काम की गई है इसमें और यहाँ पे इस तरफ जो है AC का प्रोविजन दिया हुआ है। LNT के सारे ब्लैक कलर की स्विच दी हुई है और यहाँ पे इस तरफ TV पैनल का प्रोविजन दिया हुआ है। UPVC के साइड डोर्स आ रहे हैं बड़ा साइज का, ये आप देख सकते हो। ये 9 फिट का UPVC का डोर दिया हुआ है। इन जनरल आपको इतना बड़ा डोर नहीं मिलता है। दो ग्लास डोर, एक मैच डोर है इसमें। और मूविंग ऑन टू द फ्रंट बालकनी जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये बालकनी हो गई। अगर मैं आपको इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है टाइल्स का जो कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्लास टफन ग्लास भी लगी हुई है इसमें। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया। किचन की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये आप देख सकते हो, इसमें भी टाइल्स का काम किया गया है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो इसमें इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया, फर्स्ट क्लास है ये। और फॉल सीलिंग के भी काम उसमें हुई हुई है। मॉडर्न किचन बनी हुई है
जो कि आप देख पा रहे होगे। इस तरफ सारा स्टोव और चिमनी आ जाएगी, पाइप वहाँ से निकल जाएगा, एग्जॉस्ट का पॉइंट वहाँ दिया हुआ है, और इस तरफ फ्रिज आ जाएगा और डुअल सिंक के साथ ही मिल रहा है। जैगुआर के सारे फिटिंग्स आएंगे, यहाँ पे फ्रिज आएगी, रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर की इसमें आपको दो सिंक मिल रही है, जैगुआर की टैप लगी हुई, यहाँ आड़ू का पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, ओवन के लिए यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है इस तरफ, और ये हो गया पैंट्री एरिया। यहाँ पे अनियन के लिए, पोटैटो के लिए दी हुई है प्रोविजन, और यहाँ पे दो ब्लैक कलर की इसमें आपको ग्लास लगी हुई है, और ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, ये पीवीसी की इसमें आपको विंडो मिल रहा है, डोर मिल रहा है, और ये बालकनी हो गया फर्स्ट क्लास, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। यहाँ इस तरफ इन्होंने कुछ यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए आपके पास शूज़ हो, कुछ भी हो, मतलब झाड़ू कुछ भी रख सकते हो आप इसको यहाँ पे, इन्होंने ये भी बना के यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास है। और यहाँ पे इस तरफ देखो आप स्विच बोर्ड है, वहाँ पे भी टैप का प्रोविज़न दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास। तो ये हो गया किचन, किचन आपने देख लिया है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की फर्स्ट बेडरूम की, तो इसमें इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया है, मार्बल लगी हुई है, और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, प्रोफाइल लाइटिंग की गई है इसमें, बड़े 9 फीट का इसमें आपको स्लाइडर UPVC का डोर्स मिल रहा है, दो ग्लास डोर, एक मेस डोर। यहाँ पे बेड का प्लेसमेंट आ जाएगा इस तरफ, काफ़ी बड़ा साइज़ है जो कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे टीवी आप लगाना चाहो तो यहाँ पे लग सकती है, AC का प्रोविज़न भी वहाँ दिया हुआ है, और इसमें आपको यहाँ पे वाटर मिल रही है फर्स्ट क्लास। सारे में ही प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्लास ये। और एक आपको इस तरफ भी स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया हुआ है, और इससे अटैच ये वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की बात करो फ्रेंड्स, तो इसमें ऑफ वाइट कलर की टाइल्स का काम किया गया है, और वॉल में भी टाइल्स लगी हुई है, जैगुआर की इसमें आपको टैप का काम किया गया फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बाथरूम है फ्रेंड्स, टू साइड ओपन है, हॉल से भी है और रूम से भी है, और यहाँ वैनिटी दिया हुआ फर्स्ट क्लास, काम बहुत अच्छा किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे कमोड भी दी हुई है फर्स्ट क्लास, जो गेस्ट आएंगे वो भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं डोर की इसकी बात करूँ फ्रेंड्स, तो यूरोपा ये आपको जो है डिकोफिक्स का ये लॉक है, ब्रांडेड लॉक दी हुई है फर्स्ट क्लास। जब आप इसको आओगे साइट विजिट करोगे, इसको आप ओपन करोगे, तो आपको फील आएगा कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इन्होंने करा हुआ है। और ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब ड्राइंग कम डाइनिंग से, किचन से और फर्स्ट बेडरूम से फ्रंट बालकनी हो रही है कनेक्ट। थोड़ा मुझे आज लेट हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा अंधेरा हो गया, बट कोई नहीं, डेली बनाता हूँ तो आप कभी ना कभी तो लेट हो ही जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, वहाँ से मैंने एंट्री करा था, जो कि वो नॉर्थ फेसिंग है प्रॉपर्टी, ये वेस्ट फेसिंग है, पीछे की बालकनी ईस्ट फेसिंग हो गई, और यहाँ पे इन्होंने काम करा हुआ है इटालियन फ्लोरिंग का, मार्बल लगी हुई फर्स्ट क्लास, और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस तरफ जो है पूरी इटालियन है, तो किचन के, ये किचन है, किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा, ड्राइंग रूम उन्होंने सेपरेट ही कर दिया है, इस तरफ ये पूरी ड्राइंग रूम हो गई प्रोफाइल लाइटिंग के साथ फर्स्ट क्लास है ये। आराम से यहाँ पे 8 सीटर सोफा आ जाएगा, और ये जो स्पेस है यहाँ मंदिर का इन्होंने दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दिस सेकेंड बेडरूम, अगर मैं डोर का डिज़ाइन आप देख लो, काफ़ी बेहतरीन से इन्होंने काम करा हुआ है, डोर के बाद दिखा देता हूँ मैं आपको डिज़ाइन, क्योंकि काम इन्होंने अच्छा करा हुआ है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत रेयर ही ऐसा बिल्डर काम करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने इटालियन फ्लोरिंग का काम करा हुआ है फर्स्ट क्लास, इस रूम में भी लगी हुई पूरी फ्लोरिंग इटालियन, और फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है, पूरी प्रोफाइल लाइटिंग की गई है इसमें, UPVC के इसमें स्लाइडर डोर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बेड का प्लेसमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे TV आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें आपको वार्डरोब मिल रही है साइड बाय साइड, और इस तरफ भी वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, और इधर भी वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। मैं एक आपको दिखा देता हूँ, जिससे जो कि ज़्यादा करूँ दिखाऊँगा तो फिर लेट भी हो जाएगा। प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया गया इसमें भी, और इसमें भी किया, सारे सॉफ्ट क्लोज है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, प्रोफाइल लाइटिंग का काम इसमें भी किया हुआ है, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, ये
कमोट है इस तरफ, जैगवार के सारे फिटिंग्स हैं इधर, और ये वॉश बेसिन हो गया वारंटी के साथ ही मिल रहा है आपको। और इसमें आपको ग्लास भी उन्होंने लगा दिया हुआ है फर्स्ट क्लास एज एसेसरीज। तो ये शावर एरिया हो गया, यहाँ पे जैगवार की टैप लगी हुई है और यहाँ कर्टन आप लगा सकते हो। इसमें वैसे सीलिंग शावर मिल रहा है फर्स्ट क्लास आपको, और यहाँ पे साफ्ट है इसके पीछे, और ये पीछे की बालकनी से हो रहा है करंट। सेकेंड बेडरूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको आयरन की रेलिंग मिल रही है फर्स्ट क्लास। आउटर के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं वो लाइट ऑन कर देता हूँ ये, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया ना। तो ये आप देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे टैप का प्रोविजन भी दिया हुआ, यहाँ वॉशिंग मशीन आ सकती है, यहाँ पावर सॉकेट दी हुई है, और ये आप देख सकते हो UPVC के साइड डोर्स आ रहे हैं इसमें इस तरफ, और टाइल्स का काम किया गया है फ्लोरिंग में। आयरन भी लगी हुई है इसमें, जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, और ये पूरा ड्राइंग रूम का लुक एंड फील है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा, जो भी विजिटर आएंगे आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये तीसरा बेडरूम हो गया फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है इटालियन फ्लोरिंग का, और फॉल्सिंग का भी काम हुआ हुआ है। 9 फिट के स्लाइडर वार्ड्रोब्स में आ रही, सॉरी स्लाइडर UPVC की डोर्स आ रहे हैं। AC का प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है, बेड यहाँ प्लेस हो जाएगी। मास्टर बेडरूम है, बड़ा साइज़ का बेडरूम है ये। यहाँ पे TV पैनल इस तरफ आ जाएगी, और ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बड़ा साइड बाय साइड का 2 वार्ड्रोब यहाँ पे बना हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, सारे में ही प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया गया है, जितने भी हैं सारे सॉफ्ट फ्लोर है। इस तरफ भी आप देख पा रहे होगे, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रही है। सारे सॉफ्ट फ्लोर है। इससे अटैच वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें जितने भी फिटिंग्स हैं सारे जैगवार की फिटिंग्स रहेंगे। वॉश बेसिन कमोड और शावर एरिया है ये, और ये भी पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आउटर के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरफ बालकनी हो गई, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इसी तरह मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से कंटेंट लाऊं अपने चैनल पे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।